गरियाबंद में जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थीम नारी शक्ति से जल शक्ति थीम के तहत किया गया, जिसमें पानी के महत्व को बताते हुए अगले एक साल में पानी बचाने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में बनाई गई योजना के बारे में बताया गया। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में लोगों को पानी के महत्व के बारे में बताया गया। साल का जो शासन ने थीम निर्धारित किया है नारी शक्ति से जल शक्ति, इसका मेन उद्देश्य है कि जल के संरक्षण को बढ़ावा देना है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी तारतम्य में आज जिला स्तरीय जन जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे दो दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं, एक तो जन जागरूकता की दिशा में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जन संरक्षण के लिए जो विभागीय काम करने हैं उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमारा पूरा 3-4 महीने का प्रोग्राम बना हुआ है कि जो ब्लॉक लेवल पर भी प्रोग्राम होंगे, ग्राम लेवल पर भी प्रोग्राम होंगे जन जागरूकता के। इसके अलावा हमारे जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, PHE हो, कृषि विभाग हो, हॉर्टिकल्चर हो, वन विभाग हो, इनके माध्यम से भी हम लोग जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के दिशा में जो भी काम हम लोग साल ले रहे हैं उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने आई छात्रा ने बताया कि वह भी अपने आस पड़ोस को पानी बचाने के लिए जागरूक करेगी। घरों में या फिर पड़ोसियों में अपने रिश्तेदारों को सबको जागरूक करेंगे कि पानी को व्यर्थ ना जाने दें। जल है तो कल है और आने वाली पीढ़ियों को इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यदि हम इसे ऐसे ही लगातार बहाते रहें। इस मौके पर जल संरक्षण कलश यात्रा और जल संरक्षण रथ भी निकाला गया।